जय हिंद। 5-1 वाली टेक्निक की थी क्या? आज हम उसका नेक्स्ट लेवल करने वाले हैं। की थी, कर पाए सभी? देखिए अगर आप रोज करेंगे ना तो ये बहुत आसान होने वाली है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर एक दिन की है ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लगातार 21 दिन करोगे तो ब्रेन को नया स्ट्रक्चर बनता है, ब्रेन के अंदर ब्रेन एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो डेली करनी है इसको 21 दिन तक लगातार। आज हम उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सीखने वाले हैं, उससे थोड़ी सी टफ। और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे एक तीर से तीन निशाने लगा दिए, यानी कि एक ही काम कर रहे हो उससे आपके तीन फायदे हो रहे हैं। यही तो RWA का फायदा है, आपके छोटी सी छोटी एक्टिविटी सिखाकर आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बेहतर से बेहतर बनाता है। ये खाली पढ़ा नहीं रहा है आपको, सीखें आज। अभी क्या करना है, पहले मुस्कुराहट लेके आनी। पहला काम हमारा यही है कि चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। कमर सीधी कर लो, दोनों मुट्ठियों को बंद कर लो, ऐसे घुमा लो अपनी तरफ। अभी हम पहले चेक करते हैं कि हमारा पूरा ब्रेन काम कर रहा है नहीं कर रहा, यानी कि हमारी इंस्ट्रक्शन हमारे ब्रेन तक जा रही है नहीं जा रही। दोनों थंब को बाहर निकालो, दोनों अंगूठों को बाहर निकालो, बंद करो, दोनों अंगूठे बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। गुड, यानी कि काम कर रहा है। अब ये अंदर चीची उंगली, यानी कि जो छोटे वाली उंगली है, लिटिल फिंगर, इसको बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। कर पा रहे हो? कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं है, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। अभी हम इसको थोड़ा सा टफ करते हैं। मुट्ठी बना लो, चेहरे पे मुस्कुराहट, अंगूठा बाहर आया उधर से, ये चीची उंगली, ये छोटे वाली फिंगर बाहर आ गई, ठीक है। अब दोनों बंद होंगे, इधर से अंगूठा बाहर आएगा, इधर से चीची उंगली बाहर आएगी। आप नोट करना, जब आपकी दोनों में थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी फर्क है ना, तो आराम से कर पाओगे आप। अब बाहर आ गया, लेकिन अब क्या करना, एक साथ एक ही बार में इंस्ट्रक्शन देनी है, गैप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऐसा ही करना है। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है आपको, टॉम एंड जेरी। ये टॉम यानी कि ये जेरी, ये चूहा है इसके पीछे, देखा है वो कार्टून चूहे और बिल्ली वाला, चूहे के पीछे पीछे बिल्ली भागती रहती है हमेशा, ये वही वाला गेम है। ये चूहा, इसके पीछे बिल्ली, ये चूहा, कभी चूहा इधर, कभी चूहा इधर, कभी चूहा इधर, बिल्ली पीछे पीछे वो भाग रही है, उसको चेस करने की कोशिश कर रही है। और ब्रेन इस छोटी सी एक्टिविटी, चूहे बिल्ली की दौड़ में आपका ब्रेन ठीक हो गया। ब्रेन ठीक मतलब ब्रेन नया हो गया, ब्रेन फ्रेश हो गया। यूं भी बोल सकते हो कि ब्रेन की सर्विस करा ली हमने। सर्विस कराने के बाद कैसे गाड़ी भागती है? जैसे आप सर्विस कराते हो किसी गाड़ी की, एसी की या किसी गाड़ी की, तो क्या होता है, एकदम फास्ट भागने लगती है, उसकी लेवल, उसका लेवल चेंज हो जाता है। ऐसी आपका ब्रेन है, जैसे आप इसकी सर्विस कराओगे, यानी कि आप इसको क्या करोगे, ब्रेन चार्जर टेक्निक, कौन सी, चूहे मिलने वाली, ऐसे है सिंपल सी। और कितनी देर करनी है, अगर मैं आपको बोलूं 100 काउंट करने हैं तो कितनी देर लगेंगे? आपसे बात करते करते 100 हो जाएंगे 30-40 सेकंड में, एक मिनट के अंदर आराम से कर सकते हो ना। इसको डेली करना है, टॉम एंड जेरी को। अगेन, अब मैंने आपको बोला था एक तीर से मैं तीन निशाने लगाए हैं। तीन निशाने कौन से? पहला, जब आप 5-1 कर रहे थे चाहे टॉम एंड जेरी कर रहे थे, तो आपने एक नोट की बात, आपका ध्यान कहीं भटक रहा था क्या? आपका पूरा ध्यान कहाँ था? ये 5-1 बन रहा है या टॉम एंड जेरी हो रहा है? मेरी ये वाली फिंगर तो निकल गई, मेरा ये अंगूठा तो निकल गया, ये कैसे कर रहा हूं? पूरा ध्यान कहाँ था? आपकी हाथों पर। इसे तो मेडिटेशन बोलते हैं, एकाग्रचित हो जाना। अभी तक आप पूछते आए थे कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लग रहा, ये क्या था? आपका पूरा ध्यान यहां लग तो गया, चाहे आपने 10 सेकंड के लिए लगाया, चाहे 40 सेकंड के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए लगाया, ध्यान लग गया ना। कैसे? काम क्या कर रहे थे? टॉम एंड जेरी वाला, तो ध्यान क्या लग गया? पूरा। इसे बोलते हैं मेडिटेशन। दूसरा, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपका ब्रेन रिवायर हो रहा है, आप ब्रेन को मल्टीटास्किंग दे रहे हो, ब्रेन को मुश्किल काम दे रहे हो, और जितने मुश्किल काम होंगे ना, एग्जाम उतना आसान लगेगा। तीसरा, आप क्या पूरे दिन में माउस किससे क्लिक करोगे, आंसर किससे टिक करोगे? इन उंगलियों से करोगे ना, तो कई बार हाथ ऊपर नीचे हो जाता है ना, आपने इन उंगलियों की भी प्रैक्टिस कर ली। जब आप 5-1 बना रहे हो, आप क्या करते हैं, हम सारे बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, हम जमीन पर पुशअप कर लेंगे, स्क्वैट्स कर लेंगे, हम योगा कर लेंगे, लेकिन बेचारी उंगलियों का कोई काम नहीं देते हम, इनकी कोई एक्सरसाइज ही नहीं करते। जब आप ये कर रहे हो तो आपकी उंगलियों की भी एक्सरसाइज हो रही है, जब आप ये कर रहे हो तो आपकी उंगलियों की भी एक्सरसाइज हो रही है, यानी कि आप माइक्रो लेवल पर जाकर भी इसकी एक्सरसाइज कर रहे हो। एक काम से तीन फायदे, RW में रहने का यही फायदा है। तो क्या करना है आपको, 5-1 डेली करना है और टॉम एंड जेरी डेली करना है, और ब्रेन को रिवायर करना है, और इस एग्जाम को फोड़ के आना है। थैंक यू, जय हिंद।